वेल गाइस, कुछ खबरें चल रही हैं, चटपटी खबरें चल रही हैं, और इन चटपटी खबरों के पीछे का राज क्या है आपके सामने खोलूंगी इस वीडियो में। निक्की तंबोली और टोनी कक्कर को लेकर बड़ी खबरें सामने आ रही है। नमस्कार, मैं गुरुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल आपने देखा होगा कि टोनी कक्कर और निक्की तंबोली दोनों ही आजकल सोशल मीडिया पर बड़े पोस्ट शेयर करते हैं साथ में। इनफैक्ट उन्होंने कई सारे रील्स भी बनाए हैं अपने सोशल मीडिया पर, उन्होंने शेयर भी करे हैं। अब इसी बीच खबरें सामने आने लगी हैं कि शायद से निक्की तंबोली नेहा कक्कर की भाभी बनने की तैयारियां शुरू कर रही हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इंडस्ट्री के गलियारे में ये खबर आने लगी है कि टोनी कक्कर और निक्की तंबोली दोनों दरअसल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं भाई। और अगर उनके करीबी सोर्सेस की बात करें, करीबी दोस्तों की बात की जाए, तो कहा जा रहा है कि शायद से अभी दोनों सीरियस नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो वाला सीन चल रहा है यहाँ पर, मतलब गो विद द फ्लो जाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि निक्की तंबोली या टोनी कक्कर दोनों में से किसी ने भी इस बात पर कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट नेहा कक्कर ने भी इस बारे में कोई बात नहीं करी है। याद दिला दूं आपको, जब चंडीगढ़ में पहुंचे थे वहां पर रूबीना दिलेक भी थी, वहां पर नेहा कक्कर भी थी, इनफैक्ट अभिनव शुक्ला भी थे। निक्की तंबोली पहुंची थी स्पेशली मिलने के लिए अभिनव शुक्ला से, तो वहां पर टोनी कक्कर भी मौजूद थे। और अब जिस तरीके से दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं सोशल मीडिया पर, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। निक्की तंबोली को किसी पहचान की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ही जीरो से एक हीरो का किरदार उन्होंने निभाया है बिग बॉस के घर में, अपनी लाइमलाइट अपने दम पर गमाई है। आप लोग मुझे बताइए कि अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? कि आपको लगता है कि निक्की तंबोली और टोनी कक्कर सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और दोनों साथ में कैसे लगते हैं बताइएगा राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।